आप हमारे हैं और हम आपके, हम तो सिर्फ आपको नमस्कार करने आए हैं, प्रणाम करने आए हैं और यह अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम तो शुरू से सेवा करते रहे, आपने हमको कोई कम इज्जत दी है? सांसद तक बनाया, क्या इज्जत हमको नहीं दी है? हर प्रकार से इज्जत दी है। जो पार्टी बनाकर हमने काम करना शुरू किया उसमें कितना आप लोग सब लोगों ने सहयोग दिया, इसलिए हम इसको भूल सकते हैं? जब तक जीवित हैं हम आप लोगों के हित में काम करते रहेंगे, हमको और कुछ नहीं कहना। और हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी है, मैं किन बातों की चर्चा करूं? एक एक काम, हर प्रकार से लोगों को सेवा करने का, जो हम लोगों को सेवा करने का आप लोगों ने जो मौका दिया, हमने उसके आधार पर पूरे बिहार में काम किया है, इस जिले में काम किया है और यहां पर जितना काम हुआ है हमारे साथियों ने कुछ चर्चा की है, आप सबको पता है, चाहे स्कूल का हो, संस्थानों का हो, अस्पताल का हो, सड़क का हो, पुल का हो, पुलिया का हो, सिंचाई के क्षेत्र में काम हो, बिजली के क्षेत्र में काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना कायम रखने की बात हो, हर जगह हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। और जो भी आप लोगों ने समय दिया हम लोगों ने सेवा की। और अभी जो ये चुनाव हो रहा है, आपको पता है ये जो कोरोना की बीमारी दुनिया भर में फैली है, अपने देश में भी, अपने राज्य में भी, सब जगह ये बीमारी फैली हुई है, उस पर तो काफी नियंत्रण हो रहा है, जांच की संख्या हम लोगों ने बहुत बढ़ा दी है। पूरे देश का जो 10 लाख की आबादी पर जितना जांच है उससे भी करीब करीब 5000 से भी ज्यादा हम बिहार में जांच करवा रहे हैं। एक एक चीज के लिए हम लोग काम करते हैं, सब तो अलग बात है, लेकिन इस कोरोना के चलते जो इस बार का चुनाव है इसमें समय कम है, पहले खूब समय मिलता था, हम लोग हर जगह पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार समय इतना कम है कि हर जगह पहुंच पाना संभव नहीं है। लेकिन आज ही हमने सोच लिया कि भाई हम नालंदा में तो एक ही दिन में 7 जगह जाएंगे, तो हम तो आपका अभिनंदन करने के लिए आए हैं भाई। और एक ही बात हम कहेंगे कि आप चिंता मत करिए, काम तो कर दिया, और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे ताकि रात में अपने घर का बिजली बुझाइएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा, सोलर लाइट रहेगा, ये सरकार की तरफ से होगा। जितना काम करवाया सबके साफ सफाई का इंतजाम, उसके अनुरक्षण का इंतजाम, एक एक काम करेंगे। और आप जान लीजिए, आप अगली बार, और इस बात का हम ऐलान पहले कर चुके हैं, 1 मार्च को, और उस दिन हमने कह दिया कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक सिंचाई का हम व्यवस्था पहुंचा देंगे, ये हम अगली बार करेंगे। और आपको हर गांव को सड़क से जोड़ दिया, अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को आपस में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों और महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने के लिए और सुविधा देने के लिए और सड़कों का निर्माण हम लोग कराएंगे, और सबका अनुरक्षण और देखभाल भी होगा। और जितना शहरी और बाजार के इलाके हैं सबके सड़क का चौड़ीकरण तो है ही, लेकिन उसमें हम लोग बाईपास बनवा देंगे ताकि किसी को दिक्कत ना हो। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। तो एक एक काम करेंगे। पशुपालन के संरक्षण के लिए भी आप जान लीजिए, 8 से 10 पंचायत के अंतर्गत पशु चिकित्सालय की स्थापना करेंगे, और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है उस टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग का प्रबंध हम लोग सभी युवाओं को करेंगे। जैसे इस बार हम लोग कहते हैं कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं, उस तरह से हर जिला में मेगा स्किल सेंटर लगा करके
हर नई तकनीक को लोगों को ज्ञान हो जाए ताकि उनको काम करने का और बेहतर अवसर मिले, उनकी आमदनी और बेहतर हो, सब काम तो हम लोग करेंगे। हर गांव को जोड़ेंगे और जो आपका पशु भी बीमार होगा तो उसकी तुरंत सूचना चिकित्सक चिकित्सालय को दे सकते हैं, इलाज होगा और जो दवा का प्रबंध है जरूरी है वो भी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो एक एक काम, सबके उत्थान के लिए काम, सबके विकास के लिए काम जो हम लोग करते रहे हैं। और उसके बाद अभी जो हमने आकलन किया पिछले कई महीनों में, आप जानते हैं हम सब जगह घूमते रहते हैं, हम कोई साल ऐसा नहीं बचता है जो पूरे बिहार के हर जगह जाकर के और स्थिति की हम समीक्षा नहीं करते हैं, वो करते रहते हैं। कितना बड़ा जल जीवन हरियाली अभियान चलना शुरू हुआ, तो ये सब काम हम लोग करते रहते हैं। तो हम तो आज तो हैं, हम लोगों के उम्मीदवार भाई जितेंद्र जी को भारी मतों से विजयी बनाइएगा।